प्यारे बच्चों, नानी के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चने की दाल फ्राई बनाने जा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली है और इसको धो के साफ करके रखा है। अब इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मसालों में सबसे पहले छोटी आधी कटोरी मैंने धनिया लिया है, ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, ये मैंने आधी चम्मच गरम मसाला लिया है, ये मैंने आधी कटोरी हल्दी ली है, ये 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट लिया है, ये मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है। दाल फ्राई करने के लिए जो मसाले लगे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मसालों के अलावा दाल फ्राई करने के लिए 1 छोटा टमाटर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और 2 सूखी लाल मिर्ची और 4 हरी मिर्ची, 1 चुटकी भर हींग, थोड़ा सा हरा कटा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक और 4 बारीक कटे हुए लहसुन लिए हैं। दाल फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया है, 1 बड़ी प्याज मैंने काट लिया है और 1 नींबू की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुकर में दाल डाल रही हूँ। अब मैंने दाल कुकर में डाल दी है, अब इसमें मसाले डालती हूँ। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। अब मैंने गैस जला दी है और कुकर को रख दिया है और 4 सीटी आने तक हमें पकाना है। जब तक मेरी दाल बन रही है तब तक मैं दाल का तड़का बनाती हूँ। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं 2 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। अब मैं चुटकी भर हींग डाल रही हूँ। अब हमारा जीरा भुन चुका है, अब मैं उसमें लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें लाल और हरी मिर्चा दोनों डाल रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अब हमारा तड़का तैयार हो गया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। अब हमारा तड़का बनके तैयार है, अब मैं गैस से इसे उतार रही हूँ। अब कुकर में 4 सीटी आ चुकी है, अब मैं कुकर खोल के आपको दिखाती हूँ दाल गली है या नहीं। अब हमारी दाल गल चुकी है और अच्छी खुशबू आ रही है।
अब मैं दाल में धनिया डाल रही हूँ। अब हमारी दाल तैयार हो गई है। अब मैं तड़के में मिला रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है देखने में, खुशबू अच्छी आ रही है, खाने में और स्वादिष्ट लगेगी। हमारे नाती पोतों को चने की दाल बहुत पसंद है। आज मैंने उसकी फरमाइश पे चने की दाल फ्राई बनाई है। अब हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं बाउल में करके दिखाती हूँ। हमारी चने की दाल फ्राई बनके तैयार है। आप चने रोटी के साथ खाइएगा या चावल के साथ खाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।